वेलकम बैक फ्रेंड, मैं नंद श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए एनवायरनमेंट की ये जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 7 लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को 6 पार्ट दिए हैं, तो यदि आप वो 6 पार्ट नहीं देखे हुए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर वो सारे पार्ट देख सकते हैं। और ये जो सीरीज चलाई जा रही है स्पेशली सी टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट, यानी किसी भी शिक्षक प्रदेश स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है ये, क्योंकि आप लोगों को पता है इसमें 30 क्वेश्चन जो होता है, सेक्शन होता है 30 क्वेश्चन का, वो एनवायरनमेंट से ही आता है। और वन डे एग्जाम जितने भी होते हैं उस एग्जाम की दृष्टि से भी ये सीरीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस भी एग्जाम में जीएस का सेक्शन रहता है उसमें एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका पीसीएस हो गया या आरओ या आरओ हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी के क्वेश्चन हैं, सम्मिलित किए गए हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो न्यू ट्रेंड में हैं। और इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि एनसीईआरटी किताबों पर बेस्ड है, साथ ही साथ जो आपकी टॉप 10 मैगजीन होती हैं उन मैगजीन से भी क्वेश्चन को सम्मिलित किया जाता है, जो क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है, जिससे आप लोगों को कम समय में अधिक अंक जो है प्राप्त करवाया जा सके, ठीक है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है सारे पार्ट, तो सब सारे पार्ट जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं। आज का चैप्टर जो है चैप्टर 7 है और पार्ट भी 7 है, अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व से भी क्वेश्चन जरूर आता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पहला क्वेश्चन है आज का, भारत के अधिकांश वन जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, यानी भारत के जो अधिकांश वन जीव संरक्षित क्षेत्र हैं वो किस चीज़ से घिरे हुए हैं, तो घने जंगलों से घिरे हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया, सी टेट यूपी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन। तो पहला जो सबसे पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ पे है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कर्नाटक में है। देखिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं और वही क्वेश्चन है जो या तो एग्जाम में आए हैं या तो जिसकी आने की संभावना है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बेतला पार्क स्थित है, तो बेतला पार्क कहाँ पर है, बिहार में है। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है, तो गिरवन है, गिरवन जो है शेरों, एशियाई शेरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो एशियाटिक बब्बर शेर का निवास जो है गिरवन में है, और गिरवन है कहाँ, तो वो गुजरात में है। सिक्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं, विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, तो विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है, और भरतपुर आपका जो पड़ेगा वो राजस्थान में पड़ेगा, यानी यूपी और राजस्थान का बॉर्डर है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जो है विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। सेवन क्वेश्चन नंबर देखते हैं, गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य चल रहा है, तो गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस जगह पे चलाया जा रहा है, किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाया जा रहा है, तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान में जो है गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य चलाया जा रहा है। एट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सर्वाधिक संख्या में वन जीव अभयारण्य हैं, यानी सबसे अधिक संख्या में वन जीव अभयारण्य किस स्टेट में है, किस प्रदेश में है, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। नाइन क्वेश्चन नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर सबसे अधिक जो है राष्ट्रीय उद्यान है। टेन क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरिस्का योम रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है, तो सरिस्का योम रणथंभौर जो है वो बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है। 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। 12 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है, तो बस्तर क्षेत्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। 13 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है, तो येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 14 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी में है। 15 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बुक्सा बाघ परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो एक चीज़ मैं आप लोग से और कहना चाहूँगा कि अगर आप ये इन्वायरमेंट की जितनी सीरीज में डाल रहा हूँ, अगर ये सारे सीरीज आप देख लेते हैं और अच्छे से पार्ट को याद कर लेते हैं या नोट्स बना लेते हैं, तो ये एक तरीके से गारंटी मानिए कि आपको कहीं से भी यूपी टेट, सी टेट या किसी भी प्रदेश स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा तैयारी के लिए एनवायरनमेंट के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
ये एक तरीके से मेरा अनुभव भी है, और क्योंकि जो भी मैं मटेरियल देता हूँ आप लोगों को वो सेलेक्टिव मैगजीन या सेलेक्टिव इंटरनेट सोर्सेज या सेलेक्टिव जो मेरा एक्सपीरियंस है या मेरा जो पर्सनल का नोट्स है उससे मैं देता हूँ। इसमें आपको फालतू के कोई भी क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप क्वेश्चन की क्वालिटी को देखकर खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार की ये सीरीज है, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, और आपके लाइक और कमेंट से भी पता चलता है कि आप लोग जो है मतलब इस सीरीज को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 क्वेश्चन नंबर जो है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में है। और ये सीरीज जो है अभी तक की जितनी सीरीज दी गई है सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि इससे ज़रूर 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साइबेरियन सारस के लिए जो है आदर्श प्राकृतिक निवास राजस्थान राज्य में है। 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। 19 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वो कहाँ पे है? तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वो हिमाचल प्रदेश में है। 20 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं। तो नीलगिरी की मेघ बकरियाँ जो हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये गुड़गांव में स्थित है। 22 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये अनुवांशिक विभिन्नता 22 में क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र क्या चीज़ है? तो अनुवांशिक विभिन्नता का जो एक तरीके से रीजन होता है या जो कारण होता है वो जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कहलाता है। 23 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नंदा देवी जीव मंडल स्थित है। तो नंदा देवी जीव मंडल स्थित जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। 24 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, विश्व धरोहर स्थल घोषित क्या है? यानी भारत का कौन कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो विश्व धरोहर स्थल घोषित है? तो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो विश्व धरोहर स्थल घोषित है। 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जैव भंडारों में कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो जैव भंडारों में नोकरेक जो है वो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। 26 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है। भारत का जो 16 नंबर का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो शीत मरुस्थल में कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 27 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है। तो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है पेरियार गेम अभयारण्य? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। 28 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एक सिंह वाला गैंडा पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं कह सकता हूँ तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो एक सिंह वाला गैंडा जो है पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। 29 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। राइनो भी एक प्रजाति होती है, तो ये काजीरंगा के लिए जाना जाता है, यानी काजीरंगा में जो है अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। 30 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ पे है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जंगली गधों का जो अभयारण्य है वो गुजरात में पाया जाता है, यानी गुजरात में है। 31 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है। तो असम जो है, असम में जो मानस अभयारण्य है वो बाघों के लिए जाना जाता है। 32 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद कौन सा है? तो अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जो है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। 33 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य जो है नेपाल में है। 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, महुआ डार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लातेहार जिले में स्थित है। 35 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है ये। तो 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, और हाल ही में अभी जो 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है यूपी में उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। 36 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आज के सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन नंबर है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1973 में जो है
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो आज की सीरीज के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं 36 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हुए, और आई होप आपको ये भी सीरीज काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अपने कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी दूंगा। और ये सीरीज ही बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, स्पेशली ये पार्ट की मैं बात करूँ, अभी तक जितने भी पार्ट मैंने आप लोगों को दिए हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ यूट्यूब मेम्बर हैं वो ये कह रहे हैं कि और भी सब्जेक्ट के भी आप बनाइए। तो देखिए, एक पार्ट को भी मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, आपका एनवायरनमेंट ये चल रहा है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो 30 सेक्शंस आपके कंपलसरी हो जाएंगे, जो कंपलसरी सभी लोगों के लिए हैं 1 to 5th प्राथमिक लेवल के मैं बात करूँ तो। तो उसके साथ साथ मैं और भी सीरीज चलाने वाला हूँ, अभी थोड़ी सी व्यस्तता इसलिए थी क्योंकि कुछ हमारे यूट्यूब मेम्बर जिसका LT का एग्ज़ाम था 29 जुलाई को, तो उनके लिए मैं कुछ स्पेशल सीरीज चला रहा था। और आप ये अगर आप SST के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो उसकी मैं अलग से सीरीज चलाऊंगा, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को भी देखना चाहें तो LT जो स्पेशल GS का चला हुआ है उसमें देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सम्मिलित करके वो सीरीज बनाई गई थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।